एक तरफ देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ देश की सबसे कम आबादी वाले प्रदेशों में से एक केरल है। एक सफल नेतृत्व क्या होता है, आज आप इन परिस्थितियों में देखिए। जैसे पूरे विश्व पर कोरोना महामारी ने हमला किया, पूरा विश्व करहा गया, मगर भाजपा सरकार ने जिस हिसाब से कोरोना से लड़ाई लड़ी, आज प्रदेश में नाम मात्र के केस रह गए। लेकिन देश के केरल में आज भी हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं, जिनकी गवाह है ये तस्वीर। आपको बता दें कि केरल की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़, लगभग 8 गुना ज्यादा। केरल में बीते हफ्ते औसतन 25 से 30 हजार केस आ रहे थे और उत्तर प्रदेश में 25 से 30 से भी कम, यानी हजारों गुना कम। आपको बता दें कि कोरोना की आने वाली संभावनाओं से भी प्रदेश आज लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी लहर के दौरान प्रदेश सरकार ने 500 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया था और मात्र 4 महीने में 300 से ज्यादा प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। अब कोई आपसे बोले कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने क्या किया, तो उन्हें ये आंकड़े दिखाइए और बताइए कि कैसे देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश ने कोरोना से बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी।